उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में दिमागी बुखार 1 से 15 साल के सैकड़ों बच्चों की आजीवन अपंगता और असमय मृत्यु के लिए जिम्मेवार है। दिमागी बुखार पर लगाम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अप्रैल 2018 को संचारी रोग पखवाड़ा एवं दस्तक अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत की। आसपास गंदगी, मच्छर, दूषित पेयजल, चूहे चचुंदर, आबादी वाले क्षेत्रों में सुअर पालन, गंदे हाथ पैर और बुखार में लापरवाही इसके प्रमुख कारण हैं। चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में गोरखपुर और बस्ती मंडल की प्रशिक्षित आशा बहुओं ने दिमागी बुखार को अपने गांव से भगाने का बीड़ा उठाया। शुरू हुआ आशा द्वारा घर घर पर दस्तक देने का सिलसिला। आशा ने ANM एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ परिवारों को AES JE के बचाव एवं उपचार संबंधित परामर्श दिया। परामर्श सत्र के बाद हर घर पर स्टीकर लगाया जिससे संदेश याद रहे। अगर किसी को बुखार है, कोई भी बुखार है, तो उसे हम ये सलाह देते हैं कि 108 पे कॉल करके और वो एम्बुलेंस बुलवाएं और सरकारी हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करवाएं और वहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध है और कहीं झोला छाप डॉक्टर को ना दिखाएं, किस झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें। चिलचिलाती धूप की परवाह न करते हुए आशाओं ने दस्तक अभियान के तहत लगभग 28 लाख घरों तक AES JE की जानकारी पहुंचाई। कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। बुखार में देरी पड़ेगी भारी। बुखार में देरी पड़ेगी भारी।